मेरा मौसम की गाड़ी पहुंच चुकी है छतरी नंबर 3 पर, और आज भी ग्वालियर का कई सारा टैलेंट आया है अपना टैलेंट दिखाने के लिए आप ही के अपने वाले प्रोग्राम मेला महोत्सव 2024 में। और साथ में आपको बताना चाहूँगा, यूट्यूब पर अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। ग्वालियर मेला महोत्सव आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, डैन पर 155 नंबर पर आप प्रोग्राम देख सकते हैं 24 घंटे। GTPL पर 52 नंबर यानी कि 52 नंबर पर 24 घंटे, और साथ में हिंदुजा पर 72 यानी कि 72 नंबर पर आप अपना प्रोग्राम देख सकते हैं 24 घंटे। और साथ में एक और अन्य नेटवर्क कल तक मालूम पड़ जाएगा, तो उस पर भी आपको आपका अपना वाला प्रोग्राम मिल जाएगा मेला महोत्सव 2024। बोलो हारे के सहारे की, बोल बाबा श्याम की जय जय, जय जय, जय जय भगवान श्री रामचंद्र की। तो दोस्तों आज भी ढेरों सारे उपहार लेकर आया हूँ, यानी कि सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से ये शानदार मोबाइल फ़ोन, देखते हैं आज कौन जीत कर ले जाता है ये शानदार मोबाइल फ़ोन, ये शानदार मोबाइल फ़ोन। चिरकुंडा जल्दी आओ, चिरकुंडा आ गया हमारा, ये ब्रेक डांसर चिरकुंडा है, आ गया भाई साहब ब्रेक डांस चिरकुंडा, आ गया आ गया आ गया आ गया। दूंगा झटके पे झटका, ये तो है मस्का, लगा झटका, लगा झटका झटका, अभी दूंगा, ये रुको, ये शुरुआत है। ये शानदार उपहार पब्लिक में अगर कोई बता देगा सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर कहाँ पर और यहाँ पर क्या क्या वर्क होता है, उसको भी मिल सकता है ये शानदार उपहार। भाई साहब दे दो दे दो दे दो जल्दी दो मेरे को दे दो। डबल सिम वाला है, ओए ओए ओए, चालू हो गया क्या फोन? अच्छा सिम डालना पड़ेगी, अच्छा सिम डालनी पड़ेगी, हाँ सिम तो डालनी पड़ेगी। और ये पब्लिक के लिए यानी कि पब्लिक भी जीत सकती है ये शानदार साड़ी, जयपुर हाउस मोर बाजार से ये शानदार उपहार, देखते हैं आज कौन जीत कर ले जाता है। और एक और जयपुर हाउस से ये शानदार उपहार, और साथ में विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर की ओर से ये शानदार उपहार छतरी नंबर 1 से, और कई सारी बोतल यानी कि एलिस व्हीकल की ओर से ये शानदार उपहार चिरकुंडा ये लो। इतनी खुशी हो रही है, थैंक यू, मेरे हाथ से निकल रहे हैं इतने सारे गिफ्ट जीतने के बाद, बहुत कुछ बहुत कुछ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा भाई साहब। ओ भाई सुन मेरी बात सुन, ये गिफ्ट ना वहाँ पे रख के जाना, कहाँ पे? नहीं तो ये हमारे अनुराग जाए ना, हाँ हेलीकॉप्टर है ये, हेलीकॉप्टर से उड़ा के ले जाएंगे। अनुराग हेलीकॉप्टर चालू करो, आपको कैसा लग रहा है पिक्चराइजेशन आप बता सकते हैं? अनुराग हेलीकॉप्टर चालू करो, प्यारे से प्रोग्राम की। और सबसे पहली शुरुआत करते हैं एक के छोटे से भाई से जो रैप सुनाने वाले हैं, रैप नहीं मालूम, अरे आप तो देख लो, अब तो रैप का जमाना आ गया भगवान कसम। एक छोटा भाई आया हमारा बहुत दूर से, क्या नाम है बेटा आपका? अरमान, अरमान, अरमान नाम है इनका, और ये रैप बहुत अच्छा गाते हैं, सुनाओ जल्दी से। मेरे बाल खड़े नहीं थे, मैं साइड के मांग में रहता था, छाती पर तेल का, पहले बाल तो ठीक कर लो अंकल, आहा अब सुनाओ। मेरे बाल खड़े नहीं थे, मैं साइड की मांग में रहता था, छाती पर थी पैंट, तेल कानों से बहता था, स्पोर्ट्स में ना आगे था, लूपी मेरा गंगा था, पता नहीं कैसा था मैं, बड़ा गौर सा बंदा था, दोस्तों पे बाइक थी, मुझ पे साइकिल थी, कोई पास नहीं आता था, जैसे जैसे मैं मेरे राइफल थी मैं खेलने कूदने को जाता, भगा देते मुझको, मैं पानी की टंकी में जाता, भिगा देते मुझको, ये फेसबुक व्हाट्सअप मेरे काम की चीज़ नहीं है, डांस सीखना चाहता था पर जेब में इतनी फीस नहीं है, 2 बजे का स्कूल, 3 से 7 का ट्यूशन, लाइट नहीं चल रही थी, चल रहा था इल्यूजन, इल्यूजन से मैंने रात करी, मैं लिखता गया, मैंने दिन और रात करी, बस हो गया। अरे वाह, अरमान भाई कहाँ रहते हो? वो हजीरे, हजीरे पे, हजीरे पे भी देख सकते हो, मोबाइल में भी देख सकते हो, GTPL पे भी देख सकते हो, GTPL पे देख रहे हो, चलिए 52 नंबर पर आप देख सकते हैं मेला महोत्सव। और क्या सुनाओगे? और बस, बस बस वो चच्ची को पसंद आ गई आपकी रैप, वो देखो वो देख रही है चच्ची सामने, अस्सलाम वालेकुम,
अस्सलाम वालेकुम तो कर लो उनसे, वो देख रही है देखो सामने बैठ के। कौन? चच्ची बैठी है हमारी अवाड़पुरा वाली, देख रही है। इंदिरा कुशवाहा। क्या सुनाएंगे? भजन। भजन सुनाइए। पूजा की थाली मैं लिए खड़ी रे, मैं लिए खड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ पूजा की थाली मैं लिए खड़ी रे, मैं लिए खड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, कहाँ से ल्याऊँ चंदा, कहाँ से ल्याऊँ सूरज, कहाँ से ल्याऊँ चंदा, कहाँ से ल्याऊँ सूरज, कहाँ से ल्याऊँ तारे आकाश जड़े रे, कहाँ से ल्याऊँ तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, पूजा की थाली मैं लिए खड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बोल तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। बोलो भोले बाबा की, भोले बाबा की तो सेवा ऐसी है कि आप प्यार से उनको बेलपत्र चढ़ा दो, दो फूल भी चढ़ा दो और दो आरती भी चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लेते हैं। हाँ। और जल्दी सुनते हैं, तो उनका नाम ही है भोले। और भी कोई भजन है आपका? और सुनाइए जल्दी से। श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो सिया, श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है, शिव धनुष राम तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है, तुम्हें उठो सिया सिंगार का, ओ शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शीश सिया के चूंदर सोवे, बिंदिया की छवि निराली है, शीश सिया के चूंदर सोवे, बिंदिया की छवि निराली, हो प्यारी न्यारी क्या कहती, रघुवर को जान से प्यारी हो। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की। विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर की टीम पहुंच चुकी है विशाल विंडो कूलर और विशाल फर्नीचर के पवेलियन पर, छतरी नंबर 1 पर। लेकर चलता हूं आपको अंदर, और इस वर्ष 2024 में क्या क्या खास लेकर आए हैं विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर पर, क्या क्या खास है आप सभी ग्वालियर वासियों के लिए, लेकर चलता हूँ सीधे आपको अंदर।
क्या नाम है भैया आपका? गोलू। गोलू। चलिए हमारे बीच में गोलू भैया आए हैं जो बहुत अच्छा गाना सुनाने वाले हैं आप सभी को। पहले तो सभी को नमस्कार, हमारी चाची भी देख रही है, चाची को नमस्कार कर लो भाई साहब। नमस्कार चाची। चाची बहुत टैलेंटेड है तुम्हें मालूम नहीं है? हाँ नमस्ते कर लो। नमस्ते चाची। और बोलिए। ऐसे करते हैं नमस्ते तो? अच्छे आराम से करते हैं। चाची जी और बुआ जी बैठी है हमारी, बुआ जी आप बुआ देख रही है झांसी से, झांसी में देख रही है हमारी बुआ। बुआ जी से नमस्ते कर लो। वही नमस्ते। और बोलिए। हाँ, रोटी मोटी खा ली उनने, सब कुछ खा ली। सुनाओ गाना कौन सा आप बताई? मैं बताऊँ गाना? पठान पिक्चर का। आज मैं पर्वतों से टकरा गया जी। पठान पिक्चर का। पठान पिक्चर का गाना? हाँ। सच्ची में पक्का जी? सुना दोगे? सुना दो। हमने मोहब्बत करनी है। जोर से सुनाना है, सबको सुनाई पड़े। अरे ऐसा थोड़ी ना सुनाना है। हमने मोहब्बत करनी है, तुमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी जमीना हमने इजाजत ली है। कमर है जो भी इक्स का, किसी किसी को बाता है, जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है। अरे भाई सीधे तो आओ। हो गया गाना जी। और बोलिए। और सुनाओ भाई साहब। भाई यहीं तक आता है। और बोलिए। यहीं तक ही आता है। और सुनाओ। अब नहीं सुना पाऊँगा। सुना दो यार। अरे नहीं बात समझेगा। एक और सुना दो। अब उनसे सुनाइए, आधा सुनाएंगे। आधा वो सुनाएंगे। चलिए आधा आप सुनाएंगे। नहीं आप ही सुना दो। नहीं नहीं तुम ही सुनाओ। अरे कौन को आता है सबसे ज़्यादा गाना? नहीं आता है। मैं नहीं जानता बिल्कुल। आपको नहीं आता? उतना ही आता है आपको। चलिए अभी आप रुके रहिएगा, अभी मैं आपको भी गिफ्ट दूंगा मेला महोत्सव की ओर से। क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान। मुस्कान क्या सुनाओगे? सॉन्ग। सॉन्ग सुनाओ। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, हर में तेरे हद से गुजर जाना है। बस बहुत शानदार। अभी मैं आपको भी गिफ्ट दूंगा की बेटी और हमारी छोटी बहन का प्यारा सा टैलेंट आपको दिखाते हैं आप ही के अपने वाले प्रोग्राम मेला महोत्सव 2024 में। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम वंशिका बातम है। वंशिका बातम, कहाँ रहते हो आप? मुरार। मुरार में? मुरार में चालू करवा दिए आज से। हाँ GTPL पर 52 नंबर पर आप देख सकते हैं मुरार में, और डैन पर 155 नंबर पर देख सकते हो। यूट्यूब फेसबुक पर तो आप देख ही सकते हैं। तो क्या करके दिखाएंगे? डांस। डांस आता है आपको? हाँ। कितना आता है ये? इतना आता है कि बहुत सारा आता है? बहुत सारा आता है। बहुत सारा आता है। पक्का? पक्का। तो पहले उनसे तो पूछ लो, चाची बैठी है हमारी सामने। चाची जी गुड़िया का डांस होने वाला है, रोटी पे बना रही है। बोल दो रोटी छोड़ दो चाची। रोटी छोड़ दो चाची जी। बुआ जी भी बोल दो। बुआ आप भी खाना छोड़ दो। बुआ आप भी खाना छोड़ दो। मेरा टैलेंट देखो। मेरा टैलेंट देखो। आरसी। क्या सुनाएंगे? नाज शरीफ। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, छोड़ना तेरा तेवा गबारा नहीं, छोड़ना तेरा तेवा गबारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, फूल खिलते हैं पण पण के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पण पण के सल्ले अला, झूम कर के रही वादे सबा, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको भी गिफ्ट दूंगा। मुझे डांस नीतू बातम। आप डांस? हाँ। चलिए नीतू गुड़िया का प्यारा सा डांस परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और एक और गाने पर एक और प्यारा सा परफॉर्मेंस,
और देखते हैं आज ये साड़ी कौन जीत कर ले जाता है, यानी कि जयपुर हाउस, जयपुर हाउस मोर बाजार में लगभग 150 प्रकार के यहाँ पर लहंगे मिलते हैं, शादी की पोशाक मिलती है और जयपुर लहंगे मिलते हैं, हल्दी मेहंदी सेरेमनी प्रोग्राम में पहनने वाले लहंगे भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और शहर में हलवाट खाने पर है एक दुकान, एक माधोगंज में भैरव बाबा मंदिर के सामने न्यू जयपुर कलेक्शन के नाम से, और नजरबाग मार्केट में इकलौती दुकान है। और देखते हैं आज ये शानदार साड़ी कौन जीत के ले आती है। साड़ी कैसी लग रही है गुड़िया, अच्छी लग रही है भाभी जी? साड़ी कैसी लग रही है? अच्छी है। आप देखो आप तो इसका कपड़ा वगैरह दोगे, ऐसा नहीं तो नहीं तो लोग कह रहे हों कि वैसी टेम्परेजी अच्छी है ना, डिजाइन वगैरह अगर आप आपको मिल गई तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा पक्का। आप गई हैं जयपुर हाउस महाराज वाड़े पर है, एक बार जाना आप वहाँ पर, बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं। चलिए नीतू गुड़िया का प्यारा सा टैलेंट आपको दिखाते हैं। जयपुर हाउस कहाँ पर है बता दो? अभी मैंने बताया था ना, जयपुर हाउस कहाँ पर है? कहाँ पर है? मोर बाजार में। मोर बाजार में कहाँ पर है? नजरबाग मार्केट में भी, उसमें अलवाड़ खाने में भी बताइए, दो जगह की माल। चलिए देखते हैं आज कौन लेकर जाता है ये साड़ी, या फिर कोई टैलेंट करके जाएगा, टैलेंट वाले को भी मिल सकती है ये शानदार साड़ी। चलिए अब और हाँ, यहाँ पर जितनी पब्लिक है, पब्लिक के लिए भी मेरे पास उपहार है एलिस व्हीकल की ओर से, जो हजार यानी के हजार लोगों के मोबाइल में हमारा इस प्रोग्राम को और एलिस व्हीकल के ऐड को आप देख सकते हैं फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। एलिस का जो ऐड है उसको अगर हजार लोगों में आप शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हजार लोगों का स्क्रीनशॉट, यानी कि आपके मोबाइल से हजार लोगों के मोबाइल का स्क्रीनशॉट होना चाहिए कि आपने हजार लोगों को सब्सक्राइब कराया है और शेयर किया है, तो आपको एलिस का लगभग 15,000 रुपये की कीमत का आर ओ दिया जाएगा बिल्कुल फ्री, केवल हजार लोगों को आपको सब्सक्राइब करना है। और जहां पर जितने लोग मौजूद हैं चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, यूट्यूब पर आप फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो और शेयर करने वाले को, जो सबसे पहले शेयर करेगा हाथ उठा देना, उसको दी जाएगी एलिस की शानदार लगभग 300 रुपए की कीमत की बोतल। हाथ उठा ले, कौन ने शेयर कर दिया तीनों पेज पर, हाथ उठा ले जल्दी से, फेसबुक इंस्टाग्राम पर और फेसबुक इंस्टाग्राम पर कौन ने शेयर कर दिया है अभी बता दे जल्दी, हाथ उठा के बता दे आपने कर दिया शेयर। कहाँ रहते हो भैया? मुरार में। बताओ किस किस पे किया जी? तुम्हारे फेसबुक टीवी फेसबुक पे कर दो, और यूट्यूब पे कर दो, इंस्टा बना करो, इंस्टा पर तो इंस्टा पर भी कर लेना। एक आपके लिए ये 1 kg का तनमन डिटर्जेंट पाउडर की ओर से छतरी नंबर 3 से, एक आपके लिए, एक आपके लिए एलिस व्हीकल से, आपको जल्दी जाना नहीं तो, और बड़े बड़े उपहार थे मेरे पास, एक आपके लिए तनमन से और एक आपके लिए आर के प्रॉपर्टी रफीक खान साहब की ओर से और एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, एक आपके लिए और एक और दे देता हूँ आपको मैं। अभी मेले घूमने जाओगे आप? मेले में आया है अंडर वाटर फिश टनल, हाँ एक कूपन दे देता हूँ, आप अंदर जाना, मछलियों से दोस्ती करने के लिए मिलेगा आपको, वहाँ पर पढ़ी लिखी मछलियाँ आई हैं, मालूम है ग्रेजुएट। आप जाना है 26 नंबर छतरी झूला सेक्टर पर, आपके लिए बिल्कुल फ्री उनकी ओर से, और ये सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर की ओर से ये मोबाइल का टेम्पर आपके मोबाइल में लग जाएगा, कायरा का मोबाइल का टेम्पर। आपको जाना पड़ेगा बाड़े पर, सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर टोपी बाजार में है, वहाँ पे लग जाएगा। चलिए अब आपको टैलेंट दिखाते हैं, एक और बहन हमारी यहाँ पर मौजूद है, क्या नाम है आपका? माय नेम इज स्नेहा वर्मा। स्नेहा वर्मा, ग्वालियर मेला महोत्सव की प्यारी सी बहन और ग्वालियर की बेटी के लिए एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियाँ हो जाए, तालियों में कंजूसी कर देते हैं आप लोग, एक बार जोरदार तालियाँ हो जाए क्योंकि बेटियाँ किसी से, जोर से तो बोलो, बेटियाँ किसी से नहीं है, बेटियाँ किसी से कम नहीं है, बेटियाँ किसी, क्या दो रोटी खाती है बेटियाँ? कम नहीं है। अच्छा कम नहीं है, अच्छा मुझे लगा खाना कम खाती है।
वैसे बेटियां खाना कम खाती है, स्ट्रोक नहीं होती बेटियां? होती है लड़कियों की। पक्का? हाँ पक्का। एक और टैलेंट आपको दिखाते हैं, और वैसे भी दो टैलेंट आए, उनने बहुत अच्छा डांस किया दोनों बहनों ने, और अब देखते हैं दोनों में से आज कौन जीत कर ले जाता है ये साड़ी। देखते हैं दोनों का कंपटीशन करा के देख लेंगे, जो पब्लिक बोल देगी कि इस गुड़िया को देना उस गुड़िया को ये साड़ी मिल जाएगी। आप तीसरी हैं, देखते हैं आपका टैलेंट अगर अच्छा होता तो आपको भी शामिल कर देंगे उसमें। क्या नाम है आपका? हीर पंजवानी। हीर पंजवानी। हीर पंजवानी। कहाँ रहते हो आप? सिकंदर कंपू। सिकंदर कंपू। सिकंदर कंपू से आई हैं हीर पंजवानी, ग्वालियर की छोटी सी गुड़िया, और हमारी मेला महोत्सव की बहन का प्यारा सा टैलेंट आपको दिखाते हैं। वो दादी नहीं देख रही। भगवान श्री रामचंद्र की, भगवान श्री रामचंद्र की जय जय। और मेरे साथ में यहाँ पर मैम मौजूद है। मैम क्या नाम है आपका? सुषमा सक्सेना। सुषमा सक्सेना जी, कहाँ से आए आप? इंदिरानगर 30पुर। इंदिरानगर 30पुर से। तो राम जी का भजन सुनाएंगे आप? जी सुनाएंगे। ले लो। नहीं माइक मेरे पास। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊँ, अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊँ। टूटी फूटी खट खट पर फटा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं खिलाऊँ, क्या मैं खिलाऊँ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे बेर, राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। राम जी तो आ चुके हैं, आ चुके हैं अयोध्या में, पधार भी चुके हैं, और आपने देखा भी होगा लाइव टेलीकास्ट। अभी मैं आपको भी गिफ्ट दूंगा, आ जाओ यहाँ पे हो जाए हजीरे पे। इनका डांस कैसा लगा आपको? इनका परफॉर्मेंस? आप मैरिड हैं? यस आई एम मैरिड। आप मैरिड हैं? जी। मैरिड होने के बाद? हाँ जी मैं मैरिड हूँ। आप मैरिड हैं? जी। ये मैरिड है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि कहते हैं भाभियां भी किसी से कम नहीं होती। जोरदार ताली बजा दीजिए भाभी जी के लिए, और आपको भी मिलेगा एक शानदार उपहार। अब देखते हैं बाबा श्याम क्या आदेश देते हैं, और अभी तक खाटू कौन कौन नहीं गया है, हाथ उठा दें। मैं तो 3 बार होके आई हूँ भाई साहब। आप होकर आए हो 3 बार? अभी तक कौन नहीं गया है खाटू? लास्ट ईयर कौन कौन ने देखा था प्रोग्राम जिसको खाटू टिकट दिया था मैंने पब्लिक को? जो अभी तक खाटू नहीं गया है वो हाथ उठा दे जल्दी से। चलिए देखते हैं आज किसको मिलता है खाटू यात्रा का टिकट। ये है तनमन डिटर्जेंट पाउडर से एक आपके लिए, ये छतरी नंबर 3 पर लगा है तनमन का स्टॉल, एक आपके लिए भी है तनमन से, एक आपके लिए भी है तनमन डिटर्जेंट से, एक आपके लिए तनमन से, और आपको मिल चुका एक आपके लिए तनमन से, एक आपके लिए भी है तनमन से, तनमन डिटर्जेंट से, और एक आपके लिए भी तनमन से, एक आपके लिए एलिस की व्हीकल मात्र 40,000 रुपये में मिल रही है। 1,20,000 रुपये कीमत है, और एक साल में यानी कि 80,000 रुपये सीधा सीधा डिस्काउंट है, और साथ में गाड़ी के साथ में एक 32 इंच का LED TV और एक RO बिल्कुल फ्री। ये सचिन तेंदुलकर रोड पर है राम वाटिका के ठीक सामने, एलिस से एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है एलिस व्हीकल से, और एक आपके लिए भी है एलिस व्हीकल से, एक आपके लिए। और राम जी का नया भजन सुनाया था, हटके भजन सुनाया था आंटी जी ने, एक आंटी जी एक केजी का 1 KG का ये पैकेट एक आपके लिए तनमन से। पसंद आए तो छतरी नंबर 3 और कला मंदिर गेट के ठीक बीच में है, तनमन से एक आपके लिए। एक और है आपके लिए, एक आपके लिए उर्वशी मोबाइल सेंटर से, यहाँ पर मोबाइल एसेसरीज का पूरा सामान मिलता है उर्वशी से, एक आपके लिए भी है उर्वशी से, एक आपके लिए उर्वशी मोबाइल से, एक आपके लिए भी उर्वशी मोबाइल से, और एक आपके लिए उर्वशी मोबाइल से, और एक भैया एक आपके लिए उर्वशी मोबाइल से, ये डाटा केबल
एक आपके लिए। और हाँ दोस्तों, आप किराए के घर में रह के हो गए हैं परेशान, या फिर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं या अपना खुद का घर लेना चाहते हैं, राधा रानी प्रॉपर्टी दीनदयाल नगर डब्लू ब्लॉक और नया जो बस स्टैंड बनना है ना उसके जस्ट बगल से अभी नया प्रॉपर्टी का काम चालू होने वाला है। यानी कि अगर आप प्लॉट बुक कराना चाहते हैं या अपना खुद का घर लेना चाहते हैं दीनदयाल नगर शताब्दीपुरम डब्लू ब्लॉक में, राधा रानी प्रॉपर्टी अशोक शर्मा जी की ओर से हाँ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा मेला महोत्सव का नाम लेने पर, और प्लॉट अगर बुक कराते हैं तो आपको ढेरों सारे उपहार मिलेंगे। ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है अशोक शर्मा जी का, इस नंबर पर संपर्क कीजिए और आज संपर्क कीजिए। एक आपके लिए है राधा रानी प्रॉपर्टी अशोक शर्मा जी की ओर से दीनदयाल नगर वाले, उनकी ओर से एक आपके लिए राधा रानी प्रॉपर्टी से, एक आपके लिए राधा रानी प्रॉपर्टी से और एक आपके लिए राधा रानी से। सब्सक्राइब और शेयर किसने किया उसके लिए एक टेम्पर का वो दूंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर भी किया है। एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से एक आपके लिए आपके मोबाइल में टेम्पर लग जाएगा बिल्कुल फ्री, और एक आपके लिए भी है सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से। बताना मोबाइल में जल्दी से बताओ सबके नाम से। एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर की ओर से एक आपके लिए, एक आपके लिए मैम ये सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पर आप जाइएगा, आपका कोई भी मोबाइल हो उस पर टेम्पर लगेगा बिल्कुल फ्री, टूपी बाजार में है ये। एक आपके लिए, एक बेटा आपके लिए भी सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, एक आपके लिए सुनील मोबाइल से, एक आपके लिए सुनील मोबाइल से आपको मिल चुका है, एक आपके लिए सुनील मोबाइल से, ऑडियंस को भी देते हैं हम। एक आपके लिए 10% डिस्काउंट लैम्बेंट का, ये नया शोरूम खुला है यहाँ पर पटेल नगर में आदित्य वर्ल्ड स्कूल के ठीक सामने, आप परचेस करने जाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों के यहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स वाले खिलौने मिलते हैं और गिफ्ट आइटम भी मिलते हैं। एक आपके लिए और एक आपके लिए भी है लैम्बेंट से, और एक आपके लिए है ये एलिस व्हीकल से, एक आपके लिए ये शानदार उपहार, आपने डांस अच्छा किया था और अगर आप 1000 लोगों को शेयर करते हैं एलिस व्हीकल के जो हमारा ऐड डला हुआ है यूट्यूब पर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर, उसको अगर 1000 लोगों के मोबाइल में आप शेयर करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेना, यानी कि आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए मैंने 1000 लोगों को शेयर किया उसका स्क्रीनशॉट विद मोबाइल के फ़ोटो के साथ। 1000 लोगों को अगर आपने शेयर कर दिया एक दो दिन के अंदर या 2-4 दिन के अंदर, तो आप यहाँ पर आ जाइएगा छतरी नंबर 3 पर एलिस व्हीकल की ओर से करीब 15,000 रुपये का आरओ आपको दिया जाएगा बिल्कुल हाँ उपहार स्वरूप के रूप में आपके लिए। और ये शानदार साड़ी जयपुर हाउस बता दीजिए, कोई नहीं बता रहा जयपुर हाउस, चलिए जिनका हक है और जिन्होंने किया था परफॉर्मेंस, यानी कि बड़ा ही शानदार परफॉर्मेंस किया था, एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए जयपुर हाउस की ओर से ये शानदार साड़ी एक आपके लिए। और यहाँ पर 150 प्रकार के लहंगे मिलते हैं, जयपुर हाउस मोर बाजार में स्थित है, आप एक बार जाएंगे ना तो आप एक नहीं दो दो तीन तीन साड़ी लेकर आएंगे। जयपुर हाउस मोर बाजार विकास भार्गव जी की ओर से एक आपके लिए शानदार उपहार के लिए आंटी जी, ये सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से टोपी बाजार से एक आपके लिए, एक आपके लिए लैम्बेंट से और एक आपके लिए भी है लैम्बेंट शोरूम, ये अपना पटेल नगर सिटी सेंटर में है लैम्बेंट से, एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है लैम्बेंट शोरूम से और एक बेटा आपके लिए भी है लैम्बेंट से और एक आपके लिए है से, एक आपके लिए और एक आपके लिए भी है लैम्बेंट शोरूम से, एक आपके लिए, एक आपके लिए जयपुर हाउस। लगभग 150 प्रकार के लहंगे यहाँ पर अवेलेबल है और शादी में जो पोशाक पहनती हैं महिलाएं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, एक आपके लिए जयपुर हाउस से और एक आपके लिए भी जयपुर हाउस से। कैसा लगा, आपने सोचा था कि साड़ी जीत के लाएंगे? जी नहीं। या मेले में आप घूमने आए थे? आप मेले में जी घूमने आए थे, तो घूमते घूमते ये देखा रुक गए और पार्टिसिपेट किया और साड़ी भी जीत ली। जी बिल्कुल, आप एक बार जाइएगा वहाँ पर जयपुर हाउस की ओर से एक आपके लिए, एक आपके लिए भी जयपुर हाउस की ओर से और एक आपके लिए जयपुर हाउस की ओर से। और पब्लिक के लिए है एक एक आपके लिए है ये जयपुर हाउस से, ये तनमन से सॉरी, एक आपके लिए तनमन से, एक आपके लिए भी है तनमन डिटर्जेंट पाउडर से, एक आपके लिए तनमन से, आपके लिए आपने सब्सक्राइब किया है मिल गया ना आपको गिफ्ट, एक आपके लिए भी है तनमन से
अगर ले आइए ग्वालियर के व्यापार मेले में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा आप लोगों को? आप लोगों को कैसा लगा? चलिए अगर आप में भी है टैलेंट तो आइए और जीतिए ढेरों उपहार ऑडियंस के लिए, और जीतिए ढेरों उपहार ऑडियंस के लिए। मैंने काफी सारे गिफ्ट दिए, आपको भी दिए मैंने गिफ्ट, ऑडियंस भी जीत सकती है। और बताइए, और जाने के आप आइए, शेयर कीजिए और बताइए यहाँ के प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेला महोत्सव की गाड़ी पहुँच चुकी है जयपुर हाउस मोर बाजार में। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर वेडिंग में जो पहनने वाले जो लहंगे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, शादी मेहंदी हल्दी प्रोग्राम में, वो सारे लहंगे यहाँ पर अवेलेबल हैं। चलिए आज आपकी बात कराता हूँ विकास भैया से, और क्या क्या खास लेकर आए हैं ग्वालियर वासियों के लिए। विकास भैया, जयपुर हाउस जाना माना नाम, मोर बाजार में स्थित है ये जयपुर हाउस। चलिए आपकी बात कराता हूँ विकास भैया से। और दोस्तों, जयपुर हाउस की खासियत मैं बताना चाहूँगा आपको, राजस्थानी लहंगे यहाँ पर मान लीजिए 10 डिजाइन नहीं, 15 डिजाइन नहीं, 100 से भी ऊपर, यानी कि 150 डिजाइन के यहाँ पर राजस्थानी लहंगे, वेडिंग वाले लहंगे यहाँ पर अवेलेबल हैं। और पोशाक जो बोली जाती है, जो एक जैसा ड्रेस कोड रहता है मेहंदी हल्दी प्रोग्राम में, वो राजस्थानी लहंगे यहाँ पर अवेलेबल है। मेरे साथ में अभी मौजूद हैं लाला शिवरे जी, भाई साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा जयपुर हाउस ने क्यों धूम मचा के रखी है ग्वालियर शहर में, और राजस्थानी लहंगों ने धूम मचा कर रखी है कि हर कोई वेडिंग के लिए जयपुर हाउस पर ही आना चाहता है? सबसे बड़ी बात जयपुर हाउस की ये है, विश्वास, भरोसा। हम ग्राहक को भरोसा और विश्वास दोनों देते हैं। क्वालिटी वाइज हम कोई समझौता नहीं करते, जितना बेस्ट हो सकता है हम क्वालिटी ग्राहक को देते हैं, ग्राहक को सर्विस अच्छी देते हैं। और हमारे यहाँ जयपुर से मेन कारीगरों द्वारा हाथ का तैयार किया हुआ लहंगा, बेस, पोशाक, जितने भी साड़ियाँ, जितने भी जयपुरी आइटम आते हैं, वो सब हम रखते हैं और ग्राहक को उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ बनवा कर भी दिया जाता है और सिलाई भी की जाती है। और यहाँ पर जितनी कलर, डिज़ाइन, जितने प्रकार के आपको हमारे यहाँ मिलेंगे, शहर में कहीं और उपलब्ध नहीं होंगे। हमारे 150 से ऊपर डिज़ाइन और कलर अवेलेबल है। 150 से ऊपर ऊपर, यानी कि अगर किसी बिटिया की शादी है और एक जैसा ड्रेस कोड पहनना है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है? अवेलेबल है। और हम कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि जिसके ना जो भी प्रोग्राम हो, चाहे वो वेडिंग हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, अच्छा हो और हमारे जाके पोशाकें उनको मनमोहक और बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आएंगे। तो क्या कहना चाहते हैं ग्वालियर वासियों से, अगर वो आना चाहते हैं तो? दुकान का एड्रेस थोड़ा सा, ये दुकान का एड्रेस है हमारा LMB स्वीट्स के सामने, गांधी मार्केट मोर बाजार। और सभी ग्राहकों से हमारा अनुरोध है, कृपया एक बार ज़रूर आए, क्योंकि ये उनकी दुकान है, उनके विश्वास की दुकान है। आप यहाँ पर आएँ, और हमारे यहाँ पर रेट भी जो है ना, बहुत रीजनेबल रेट है। हमारे यहाँ होलसेल रेट में जो है दिए जाते हैं, होलसेल रेट में दिए जाते हैं। अगर कोई मेला महोत्सव का नाम लेकर आता है, या फिर कोई मेरा नाम लेकर आता है विवेक शर्मा रेंचो, और किसी बिटिया की शादी है और एक करीब मतलब एक जैसे सभी महिलाएं पहनना चाहती हैं लहंगे, तो उनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारे यहाँ फिक्स रेट है, लेकिन मेला उत्सव जो कि साल में एक बार आता है और ग्वालियर का गौरव है, और आप लोग मेले को अच्छा करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, जो मेहनत करते हैं, तो जो भी ग्राहक आपका नाम लेके आएगा या मेले का नाम लेके आएगा, उसको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको, ये तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर हो गया। और मेरे साथ में विकास भैया भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप पर डे जो साड़ियाँ देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक साड़ियाँ पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए और हमारे पार्टिसिपेट के लिए। अभी 5 दिन हुए हैं, 5 दिन में ही पब्लिक बताने लगी है भैया। सर, काम हमारा ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हमारा ग्राहक जो भी आए सेटिस्फाइड होके और संपूर्ण होके जाए। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक जो जुड़ जाए ना, वो फिर हमारे पास से जुड़ा ही रहे। हम सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं, हर चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ग्राहक के साथ, कोई इस चीज़ के लिए सारी चीज़ हम अपने हिसाब से ही ग्राहक को हेल्प करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ना, जो चीज़ हमारी है ग्वालियर में, वो पूरे ग्वालियर में तरीके से फैल जाएगा, क्योंकि हमारी चीज़ मिलती है, हर जगह नहीं मिलती है चीज़ें। सारे कारीगर के हाथ के बने हुए पीस होते हैं,
सब बुटीक के पीस होते हैं, सिंगल पीस, जो आप मेरा पीस मिलेगा पूरे ग्वालियर में नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हम चाहते हैं कि ग्राहक हमारे पास जुड़ जाए बस। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं और आपके घर में बिटिया की शादी या फिर आपके रिलेटिव की शादी और एक जैसे लहंगे आप लेना चाहते हैं, यानी कि हल्दी मेहंदी के प्रोग्राम में जो पोशाक महिलाएं पहनती हैं वो सारी पोशाक यहाँ पर अवेलेबल हैं, और साथ में साड़ियों का तो खजाना है यहाँ पर। यानी कि आप एक बार आएंगे और एक साड़ी आपने अगर देख ली तो आप भी कहेंगे ये वाली नहीं ये वाली लेनी है, ये वाली नहीं ये वाली लेनी है, यानी कि आपके मन को भाएंगी ऐसी ऐसी प्यारी साड़ियाँ। तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पर ग्वालियर महाराज बाड़े पर स्थित है मोर बाज़ार गांधी मार्केट में जयपुर हाउस, नाम लीजिएगा बाड़े पर भी आप किसी से पूछ लेंगे जयपुर हाउस कहाँ पर है, तो आपको सीधा जयपुर हाउस तक छोड़कर जाएंगे विकास भैया की इस प्यारी सी शॉप पर। आइए और अपना पसंदीदा लहंगा पसंदीदा साड़ी लेकर जाइए और 10% डिस्काउंट का सीधा ऑफर, मेला का नाम लेकर आएंगे, मेला महोत्सव का नाम लेकर आएंगे, सीधा 10% डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। और दोस्तों मेरे साथ में यहाँ पर आंटी जी मौजूद हैं और मैम भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आंटी जी यूपी से आई हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। आंटी जी क्या क्या लिया है अभी आपने? जी मैंने साड़ियाँ अभी बहुत पसंद कर ली, मैं पता नहीं क्या हुआ, मैं इसके एक महीने पहले आई थी इनके भैया के यहाँ, तो सोच के आई थी मुझे सिर्फ एक साड़ी लेनी है बस, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है। भैया के यहाँ कनेक्शन देख के भाई रेट देख के मैं बता नहीं सकती, मैंने 6 उठाई हैं, मेरी देवरानी ने 6 उठाई हैं, मेरी बहू आई थी उसे 2-3 साड़ियाँ उठाई हैं, बहुत अच्छे। मैं यूपी से हूँ, शायद आपने महोबा का 5 सुना हो, मैं राट महोबा ओराई के पास वहाँ से आती हूँ। तो यहाँ पे जो पास में है मेरी भतीजी है सोनम पारा सर, उसके थ्रू इस दुकान को देखा है, तो अब मैं कहती हूँ आपके मैं बकाया कहीं से साड़ी नहीं ले सकती हूँ। और सोनम मैम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप कितने वर्षों से यहाँ? मैं यहाँ एक साल से। तो आपको कैसा लगता है जयपुर हाउस? मतलब हम लोग ना जब साड़ी उठाने आते हैं ना तो हमेशा ऐसे ही होता है, 2 साड़ी फिर से बुक कर जाती हैं, और मतलब जब तक बैठे रहते हैं लगता है देखते जाओ बुक करते जाओ, लेकिन फिर यही लगता है ना बस भैया आप बंद करो दिखाना, नहीं तो क्योंकि देखेंगे वो पसंद आ ही जाती है साड़ी। अभी भी मम्मी एक साड़ी लेने आई थी, उन्होंने 4-5 साइड कर दी हैं। हाँ तो दोस्तों ये महिलाओं की पहली पसंद बना हुआ है जयपुर हाउस। अगर आपके यहाँ पर भी है कोई वेडिंग प्रोग्राम या फिर कोई एंगेजमेंट प्रोग्राम और आप सबसे हटके दिखना चाहती हैं तो आइए जयपुर हाउस महाराज बाड़ा मोर बाज़ार गांधी मार्केट में स्थित है। और दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है हनुमान चौराहे ओल्ड जनकगंज थाने के ठीक बगल में है द ट्रीट कैफ़े। हाँ द ट्रीट कैफ़े, जब भी खाने पीने की बात आती है तो सभी की जुबान पर एक ही नाम याद आता है द ट्रीट कैफ़े। और चलिए आपको लेकर चलता हूँ द ट्रीट कैफ़े के अंदर, और यहाँ पर आपकी फैमिली के लिए और अगर आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी है तो पार्टी सामान भी यहाँ पर अवेलेबल है, और साथ में यहाँ पर आपको मिलेंगे पार्टी केक। यानी कि यहाँ का जो केक स्पेशलिस्ट है, आप कोई सा भी केक बनवाना चाहें, बाहुबली केक या फिर डोरेमोन केक या बार्बी केक, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, और साथ में कैंडी। यानी कि आपके बच्चे का बर्थडे है और आप बच्चों के फ्रेंड को आप कैंडी देना चाहते हैं तो कैंडी का भी यहाँ पर कलेक्शन है, और साथ में पार्टी के लिए भी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी गई हैं द ट्रीट कैफ़े पर। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर यह ट्रीट कैफ़े का अंदर का नज़ारा, और साथ में मैं बताना चाहूँगा बड़ा ही सुंदर लोकेशन पर आप देख सकते हैं, बड़ी प्यारी सी लोकेशन है। आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ आइए और यहाँ पर अपने एक एक खास पल को, यानी कि आप बर्थडे पार्टी है या मैरिज एनिवर्सरी है तो आप एक एक पल को अपने फैमिली के साथ बैठकर यहाँ पर इंजॉय कीजिए। चलिए अब आपको दिखाता हूँ पार्टी हॉल, पार्टी हॉल भी है। हाँ अगर आपके यहाँ किटी पार्टी है या फिर बर्थडे पार्टी है या फिर मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी है तो उसके लिए भी यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर पार्टी हॉल रखा गया है। आपको दिखाता हूँ मैं पार्टी हॉल, ये नहीं डाला मतलब पिज़्ज़ा पैक करते हुए ले रहे हैं बस। और कहना चाहूँगा अगर आपके यहाँ पर है कोई पार्टी या फिर आप अपने फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहो, आप देख सकते हैं चाउमीन।
और चलिए आपको लेकर चलता हूं पार्टी हॉल के अंदर। ये है पार्टी हॉल जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है पार्टी हॉल, यानी कि आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी है, या आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, या फिर आपका बर्थडे है, या आपकी वाइफ का बर्थडे है। वो बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए शहर के बीचों बीच, यानी कि आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है कि आपको जाना पड़े स्टेशन या फिर सिटी से बाहर। सिटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अच्छी लोकेशन पर, यानी कि लश्कर में हनुमान चौराहा ओल्ड जलागंज थाने के ठीक पास में है द ट्रीट कैफे। हाँ, नाम ही काफ़ी है। और इतना बढ़िया सा जो आप पार्टी हॉल देख रहे हैं, यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर के साथ और यहाँ पर आप पार्टी इंजॉय कर सकते हैं, यानी कि लगभग 100 लोगों की क्षमता वाला हॉल ये यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर साउंड सिस्टम भी बहुत शानदार है, यानी कि आप पहले केक काटिए, केक काटने के बाद सभी से जो मिलते हैं सभी से मिलिए, और उसके बाद जब आपके मेहमान आ जाएं तो यही इसी हॉल को हम बना देते हैं पार्टी हॉल, यानी के डिस्को। और ये देखिए दोस्तों, लाइट बंद हो चुकी है, अब ये पार्टी का मूड है आपका, यानी कि केक कटिंग के बाद होती है डीजे मस्ती, तो डीजे मस्ती भी आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये प्यारा सा फ्लोर आपके लिए तैयार है यहाँ पर अपने पार्टी अपने फैमिली मेम्बर के साथ, यानी कि लगभग 50 से 100 लोगों की क्षमता वाला ये हॉल है। और अपनी फैमिली के साथ आकर यहाँ पर एंजॉय कीजिए और अपने एक एक खास पल को खास बनाइए। चलिए आपकी बात कराता हूँ आकाश भैया से। और दोस्तों, मेरे साथ आकाश भैया यहाँ पर मौजूद हैं। भैया, शहर के बीचों बीच लोकेशन बहुत शानदार है और हॉल की क्षमता भी 100 लोगों के लिए यहाँ पर हॉल की क्षमता भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर कोई अपने यहाँ पर पार्टी करता है तो खाने पीने की व्यवस्था भी आप ही की तरफ से रहती है? जी बिल्कुल, खाना मेन कोर्स स्टार्टर इंडियन नॉर्थ इंडियन सब तरह के स्नैक्स और कंप्लीट हमारे यहाँ पे फुल रेंज है। और स्पेशली हमारे यहाँ लेडीज़ों के लिए किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी बच्चों के लिए, 31st, न्यू ईयर, जितने भी पीक डेज आते हैं उसके लिए हमारा एटमोसफियर काफ़ी पॉजिटिव है और यहाँ पर माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। इवन खाने की सारी रेंज रीज़नेबल प्राइस में आपको ट्रीट कैफ़े में अवेलेबल मिलेगी। और पार्टीज़ के लिए हमारा सिंपल एक प्लेट सिस्टम है, वो भी हम आपको कंट्रीब्यूट कर देते हैं। और जैसे रात हो जाती है, सबको वैसे चिंता रहती है, फिक्र रहती है कि रात हो गई, लेट नाइट हो गया, तो शहर के बीचों बीच है, मतलब शहर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी आपने। लश्कर में एक मेरी छोटी सी कोशिश है सबसे जुड़ने के लिए, और हमारा तो ये फैसिलिटी की नबी कोई साधन भी नहीं है, तो हम अपनी खुद की निजी कार से उनको घर में प्रोवाइड कराते हैं और छोड़ के आते हैं। और सारी सुविधा आजकल की जो न्यू ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग हमने इस हॉल में रखी है। ये हमारा पार्टी हॉल, जब भी आप आएँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है सर। तो दोस्तों, कहना चाहूँगा मैं आपसे, आइए यहाँ पर, यानी कि हनुमान चौराहा ओल्ड जनकगंज थाने के ठीक पास में है द ट्रीट कैफ़े। हाँ, बच्चों का तो बड़ा फेवरेट बन चुका है, यानी कि बच्चों की बर्थडे पार्टी यहाँ पर, यानी कि एक बार किसी बच्चे ने बर्थडे पार्टी मना ली तो वो बार बार अपनी मम्मा से यही बोलता है कि मम्मा अगला बर्थडे बनाऊंगा तो द ट्रीट कैफ़े में ही मनाऊंगा। मुलाकात कराता हूँ हमारे प्यारे मोंटे भैया से। मयंक जैन भैया मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, हमारे बड़े भैया, और ट्रीट कैफ़े के बारे में हम जानना चाहेंगे। मोंटे भैया आपका स्वागत है। मोंटे भैया, ट्रीट कैफ़े में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और ग्वालियर वासी क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आना? ट्रीट कैफ़े के जो फैसिलिटी आप देखे जाए तो यहाँ पे सबसे अच्छा हमारा पार्टी हॉल है, जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और यहाँ पे सारी सुविधाएं भी हमने दे रखी है पार्टी हॉल के अंदर। डीजे सिस्टम लगा हुआ है, डिस्को लाइट्स लगी हुई हैं हमारे यहाँ पे, और डिस्को लाइट्स भी हमारे लगी हुई हैं। और जहाँ तक फूड की बात करें, हमारे यहाँ फूड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और हम लोग क्या है शुद्धता पर ही काम करते हैं। बहुत से होटल वाले क्या क्वालिटी अच्छी देते हैं, बस शुद्धता वो लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं, बट हमारे होटल के अंदर आपको क्वालिटी प्लस संग में फूड की शुद्धता, हम दोनों चीज़ पर दाम पूरा काम करते हैं। हमारे बेस्ट पिज़्ज़ा बहुत बेस्ट है हमारे यहाँ पे, सपोज खाना हमारा बहुत अच्छा मिलता है, कस्टमर हमारे लगातार रिपीट्स हो रहे हैं इसको देखते हुए, हमारा डेकोरेशन, हमारी फैसिलिटी देखते हुए। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम कि ग्वालियर शहर में एक बार, जितने भी मेम्बर्स ये लोग देख रहे हैं, एक बार हमारे आउटलेट का विजिट करें,
और यहाँ फूड चेक करें। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, और भैया का फैमिलियर व्यवहार भी है, यानी कि कस्टमर कस्टमर की तरह नहीं आता है, फैमिली की तरह आता है, क्योंकि आपका अपना वाला द ट्रीट कैफ़े है, जब ही तो सारे बच्चे जिद करते हैं कि बर्थडे पार्टी मनाना है तो हमें द ट्रीट कैफ़े में मनाना है। मैं इस चीज़ पे एक जरूर कहूँगा, ईस्ट ऑफ द वेस्ट ट्रीट इज़ द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और दोस्तों मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, आइए यहाँ पर ग्वालियर लश्कर हनुमान चौराहे के ठीक पास में है, ओल्ड जनकगंज थाने के ठीक पास द ट्रीट कैफ़े। आइए अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने यादगार पल को यादगार बनाइए द ट्रीट कैफ़े के साथ।